हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और इसका नाम है पिक्सल एक्सटेंडेड रोम। एंड जो डिवाइस यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ उसका नाम है Redmi K20 Pro। तो ऑफिशियली अपडेट अवेलेबल हो चुका है Redmi K20 Pro के लिए पिक्सल एक्सटेंडेड रोम का, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12। और ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो अबाउट फोन के अंदर, डायरेक्टली आपको मैंने यहाँ पे जो है दिखा दिया। अब ये एक बीटा वर्जन है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़े बग्स आपको मिलेंगे, थोड़े से मैंने भी फेस किए उसकी बात करेंगे। और एरो ओएस बेस्ड कर्नल आपको मिलता है रोम के अंदर, जो कि पर्फ का कर्नल है। और अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है October 5, 2021 से अपडेटेड। अब सबसे पहले जब फ्लैश करोगे तो आपको एंड्रॉयड 11 का फर्मवेयर ही सिर्फ फ्लैश करना है, ओएसएस वेंडर बेस्ड रोम आपको ये वाली मिल जाती है। सबसे पहले लॉन्चर के ऊपर आते हैं तो मेरे को सबसे पहले चेक करनी है इसकी स्मूथनेस। तो देख सकते हो ये पिक्सल लॉन्चर है, ओएसएस वेंडर के साथ जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड है वो लिटरली काफी अच्छी है, काफी स्मूथ है। एंड्रॉयड 12 काफी ज्यादा स्टनिंग है रेडमी K20 Pro के ऊपर, कोई भी रोम उठा लो आप। एंड यहाँ पे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड देख सकते हो कुछ ऐसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, ऐसे कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। फास्ट आपको रिस्पांस मिलता है, स्मूथ है और लैग वगैरह मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी फेस नहीं किया। रैम मैनेजमेंट भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और पिक्सल लॉन्चर के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पर सर्टिफाइड है और विदाउट रूट बैंकिंग एप्स आप यहां पर यूज कर सकते हो। DRM इन्फो के अंदर वाइडवाइन L1 प्रेजेंट है, उसके बाद F2FS के अंदर आप इसको फ्लैश कर सकते हो, मैंने F2FS के अंदर ही इसको फ्लैश किया है। अगर आप वाइट थीमिंग के अंदर इसको जाते हो तो यहां पर आपको वो चीज नहीं मिलेगी, वाइट थीम आपको यहां पे इसके नोटिफिकेशन पैनल के अंदर नहीं मिलता। एंड सिंगल टैप के ऊपर आप यहां पर इनको जो है ये टॉगल्स है ना, इनको ऐड कर सकते हो, ये आप देख सकते हो, रिमूव या फिर ऐड यहां पे कर सकते हो, ये ऑप्शन मिल जाएगा। बट कोई भी आपको डिफरेंट इंटरनेट स्विचेस और डिफरेंट जो है आप बोल सकते हो लाइट थीम वगैरह नहीं मिलता, सभी चीजें कंबाइंड है जो कि ऑफिशियली बीटा अपडेट्स के अंदर थी। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना, ये चीजें मैंने आपको बता दी, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं वैसे तो। और कैमरा के ऊपर आ जाते हैं तो कैमरा ये वाला है, अगर आप यूज करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो इसको यूज करो या फिर जो है जी कैम ट्राई करो। 4K 60fps तक वीडियो काफी अच्छे से मस्त चलती है, काफी अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो। सारा लुक सेम है, वैसा ही आपको मॉडर्न थीमिंग वगैरह वर्किंग मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसका बैटरी बैकअप चेक करवा देता हूं। तो जितना मैंने यूज किया है मेरे को कोई ऐसे दिक्कत वगैरह नहीं आई बैटरी के रिगार्डिंग, 24 आवर्स का ही यहाँ पे जो है शो करता है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट आपका जो बैटरी यूसेज है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, कोई हीटिंग इशू नहीं मिला मेरे को, ऐसे मेजर हीटिंग इशू जैसे कि गेमिंग के टाइम जब आप जो है चेक करते हो कि रिकॉर्डिंग के साथ, तो वैसे कोई मेजर हीटिंग इशू नहीं मिला, क्योंकि अभी थोड़ी ठंड आ चुकी है तो उसकी वैसे दिक्कत अभी नहीं आती। एंड्रॉयड 11 फर्मवेयर होने की वजह से भी थर्मल प्रोफाइल्स हैं, उसके साथ दो बेंचमार्किंग वगैरह वो चेक करवाऊंगा। एंड एक चीज आपको मिसिंग मिलती है वो है यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन। जब आप फोन को कनेक्ट करते हो आपको कोई इंडिकेटर यहाँ पे नहीं बताएगा कि आपका फोन चार्ज हो रहा है या फिर नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो चीज आपको पता चलेगी वो आपका होगा ये वाला नोटिफिकेशन LED, जिसके थ्रू ही आपको पता चल जाएगा आपका फोन कनेक्ट हो चुका है। बट कोई साउंड, कोई वाइब्रेशन, कुछ भी आपको नहीं पता चलेगा, जो कि आप अभी देख सकते हो जो चार्ज है वो ऐसे हो रहा था, बट जो है 70 से 71% यहाँ पे चार्ज हो गया, बट मेरे को पता नहीं चला कि ये चार्ज हो रहा है या फिर नहीं। तो इसकी टेंशन मत लेना, अगर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो एक बग आपको ये मिल जाती है। अब नेक्स्ट चीजों के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे साउंड का पैनल सेम है, डायरेक्ट साउंड इनहेंसर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। डिस्प्ले के अंदर वही सब चीजें हैं, एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह वर्किंग मिलेगा। एंड वॉलपेपर एंड स्टाइल का लुक सेम वही आपको मिल जाता है, थीम आइकॉन वगैरह सब कुछ सेम है। एंड जो एडिशनल चीज मिलती है वो है स्नो हाउस, तो स्नो हाउस यानी कि कस्टमाइजेशन वाला सेक्शन थोड़ा सा मिल जाता है। 4G आइकन, वॉल्टी आइकन आपको मिल जाता है, वाइब्रेट ऑन टच, लॉक स्क्रीन के अंदर कुछ ऐड नहीं किया गया, इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस है, हार्डवेयर के अंदर अब भी कुछ नहीं ऐड किया। तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए थोड़े फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सिक्योरिटी के अंदर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट की जो स्पीड है ना यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ मैं। सबसे पहले तो स्क्रीन ऑफ FOD है जो आप चेक कर सकते हो, इसके अंदर एनिमेशन मिल जाता है एंड दोनों ही लिटरली काफी ज्यादा फास्ट आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा प्रेस करके रखना बस और ये आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। दोनों ही चीजें काफी परफेक्टली वर्क करती हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और सिस्टम के अंदर वही सब चीजें, जेस्टर्स के अंदर आपको स्वाइप टू स्क्रीनशॉट यहाँ पे नहीं मिलता, 2 बटन 3 बटन और जो है गूगल असिस्टेंट वगैरह को आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। तो ज्यादा अभी चेंजेस नहीं मिलते, वही सब चीजें हैं, जो चीज मेन थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। थ्रॉटलिंग ग्राफ इस रोम का और 10 मिनट तक रन किया गया है और यहाँ पे मैक्सिमम GIPS है 2,16,000 के आसपास।
एंड 2,03,000 के आसपास एवरेज GIPS है, 91% तक आपका CPU थ्रॉटल होता है और यहाँ पे गेम जो आपकी थर्मल प्रोफाइल्स है उनको इनेबल किया गया है। उसके बाद जो Geekbench 5 का स्कोर आप वो देख सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको OSS Vendor और F2FS का सपोर्ट मैंने यहाँ पे इनेबल कर रखा है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये स्कोर्स मिलते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, मेरे को कोई दिक्कत वगैरह यहाँ पर नहीं आई, ऐसे कोई मल्टी टच के रिलेटेड या फिर कोई ऐसे लैग मेजर वगैरह नहीं मिला, काफ़ी स्मूथ गेमिंग है। बट हाँ, फिलहाल के लिए एंड्रॉयड 12 आपको गेमिंग के लिए नहीं ऑप्टिमाइज मिलता, वेट कर लो, थोड़े टाइम बाद आपको यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। वैसे कैजुअल से काफ़ी बेटर गेमिंग आप कर सकते हो इस रोम के ऊपर, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज जब अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।